प्रणाम माता, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था श्री कि मनुष्य के विचार स्वतंत्र हैं, उन्हें नियंत्रित करना या अपने अनुरूप कार्य करने के लिए विवश करना सर्वदा अनुचित है। फिर भी तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग करके श्रेया को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोका है। मैंने पहले भी तुम्हें चेतावनी दी थी श्री, और आज पुनः तुम्हें सावधान कर रही हूं। स्वयं पर नियंत्रण रखो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम आएंगे। मैंने कुछ नहीं किया तो दुष्परिणाम आएगा माता। सगाई कल ही है और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। मुझे कुछ भी करके मम्मी और पापा को साथ लाना ही है। तुम नियति को नियंत्रित करना चाह रही हो श्री, इसीलिए समझा रही हूँ। अभी भी संभल जाओ, कहीं विलंब ना हो जाए। अरे श्रेया, बैठो ना। तुम स्ट्रेंजर तो नहीं हो हमारे लिए। इस घर में तुमने काफी समय बिताया है। कम जॉइन अस। वैभव देखो ना, मैंने तुम्हारी वेडिंग प्लानर को इनवाइट किया हमारे साथ खाना खाने के लिए। शी इज जॉइनिंग अस। अच्छा किया ना। अरे जीजा जी, ध्रुव आप दोनों आइए ना, साथ में खाना नहीं खाएंगे? वो मेन कैंटीन हमको मना। कितनी बार मना किया मैंने कि रुक जाओ, मत जाओ, हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, लेकिन मानते ही नहीं, अलग ही खाना खाते हैं दोनों। मजा आ जाएगा। क्या हुआ मंदा जी? वो क्या है ना विद्याधर जी, इस घर में तीन क्लास है। फर्स्ट क्लास जो लोग इस घर के मालिक है, जिनका ये घर है और जिनके पैसे से ये खाना आता है। फिर आता है सेकंड क्लास, जो लोग उनके पास कुछ नहीं है लेकिन काम बहुत करते हैं, लाइक सविता जी। और फिर आता है थर्ड क्लास, वो लोग जिनके पास ना ही कुछ है और ना ही वो कुछ काम करते हैं, जैसे आप। कम आइए आइए। थर्ड क्लास लोगों के लिए फर्स्ट क्लास जगह। मैं तो बोलती रहती हूँ हमारे साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाओ, लेकिन सुनते ही नहीं है। इतना प्यार मेनका जी, बस कीजिए, रुलाएंगे क्या? जीजा जी, आज मैं हूँ ना, आज आप मेरे साथ ही खाएंगे। अब आपकी बात कोई टाल सकता है? आज इस घर में आपका ही चलेगा। मेरा है, so you get lost। नहीं, तुम्हारी नानी ने बोला है कि वो मेरा टॉय है। वो उल्लू बना रही थी तुम। चाहो तुम। अब
अब वो श्री और श्रेया आती होंगी उस जंगली निरंजन को कमरे से बाहर निकालने। कौन है? कौन है? कौन भालू जाग गया? अब तू आ जाएगा अंदर और दादू आएंगे बाहर। चलो चलो चलो। परफेक्ट श्री आंटी, दादू के कमरे में धुआं जाने लगा है। चलो अब जल्दी से पापा को कमरे से बाहर निकालते हैं। चलो। क्या ये? धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब बाद में पूछना ना। चलो चलिए। पापा चलिए चलिए दादू चलिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।